वेलकम टू रेडियो चॉकलेट 104 एफएम धूम मीठा भौज नमस्कार भाईना जोहार आसीगला गेला दियरक आज आम सहित कथक अच्छा भुवनेश्वर क्रॉकरी प्लाजार ओनर श्री सिद्धार्थ वर्मानी आम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हूँ आम भारत में समस्ते हूँ आत्मनिर्भर भारत कथ कौन सिद्धार्थ गोटे परफेक्ट एक्जामपल से निजे आत्मनिर्भर होती आउ भी रोजगार दे तो चलो सहित कथ वेलकम करवा रेडियो चॉकलेट को सिद्धार्थ जी वेलकम टू रेडियो चॉकलेट I am fine. How are you? I am very good. Thank you so much. Welcome. अच्छा सिद्धार्थ जी कुंतु ये जो क्रॉकरी प्लाजा आरंभ करीबारा इनिशिएटिव केबे ही थिला एवं क्रॉकरी प्लाजा विषय टिकी किच कुंतु? सर ये स्टोर टा वी ओपन्ड इन 2015 विद अ स्पेस ऑफ 1,400 स्क्वायर फीट. आगुर एक्चुअली मो फादर को स्टोर भी थिला किंतु इट वाज अ 300 स्क्वायर फीट स्टोर ऑफ क्रॉकरी रिलेटेड बट वी थॉट ऑफ गेटिंग इनटू इट इन अ बिगर वे आई इनिशिएटेड इट सो इवेंचुअली वी गॉट इनटू दिस एंड नाउ we are actually planning of another floor adding up to it so we want to be double the size of what we are so I guess we are growing in a way सो सिद्धार्थ जी जितेबेले आपण पढ़ा पढ़ी आरंभ करथले सेतेबेले कोन चिंता करथले आपण को फादर्स को बिजनेस को आगु को नेबे क्रॉकरी प्लाजा को आउरी बड़ो करिवे ना आउ किछि एम थिला नहीं सर थिला इन इंटेंशंस तो बिजनेस करियर ही थिला थ्रू आउट करना तो यही था बिजनेस ही करना था वही सोच के ही पढ़ रहा था उसी में ही हेड ऑन किया सर आज यही हूँ कि आपसे बात कर पा रहा हूँ मैं बहुत लकी हूँ शायद नहीं हम सर लकी हैं आपसे बात कर पा रहे हैं तो सिद्धार्थ वर्मानी जी से बातें होती रहेंगी ब्रेक के बाद सुनते रहिए मीठे गाने ओनली ऑन रेडियो चॉकलेट झुमका टिके तू तो हले दे रुम झुम कर टिके बजे दे झुमका टिके तू तो हले दे रुम झुम कर टिके बजे दे वेलकम बैक टू रेडियो चॉकलेट 104 एफएम धूमिडा भाउज नमस्कार भाईना जोहार भाउज नमस्कार रे स्पेशल एपिसोड रे आमे कथा होचे आत्मनिर्भर भारत विषय रे एवं आम सहित अछंती भुवनेश्वर क्रॉकरी प्लाजा रो ओनर यंग एंटरप्रेन्योर सिद्धार्थ वर्मानी अच्छा बताइए सर क्रॉकरी प्लाजा जैसे कि आपने बताया बहुत बड़ा शोरूम है क्रॉकरी का तो क्या-क्या सामान हमको मिलेंगे क्रॉकरी प्लाजा में सर एंड टू एंड रिलेटेड टू होम अप्लायंसेस क्रॉकरी रिलेटेड एवरीथिंग फ्रॉम होटेलियर्स जो होटल के लिए चाहिए होता है जो डोमेस्टिक पर्पस में चाहिए होता है we deal in every kind of crockery from take it from a spoon to a dustbin to everything from what not and ghar mein jo chahiye sab hai hamare paas mein just hop in अच्छा सर जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो बहुत परेशानी हुई होगी आपको आपके वर्कर्स हैं तो कैसे मैनेज किया आपने जी सर परेशानी तो हुई अभी भी हो रही है रादर अभी भी लॉकडाउन का एक फेज चल रहा है हमारे हिसाब से लेकिन वी आर लिविंग अप टू इट नाउ कि अब देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट बिकॉज इतना बड़ा क्राइसिस है वर्ल्ड ओवर इज फेसिंग दिस वी जस्ट हैव टू डील विद इट वी जस्ट हेडिंग ऑन टू इट नाउ वी आर ओपनिंग इन फेजेस बट स्टिल इट्स अ लॉन्ग वे टू गो वी हैव टू गेट दिस डन वी विल डेफिनेटली ओवरकम इट फॉर श्योर सर आपके वर्कर्स को समझाना क्या मुश्किल था इनिशियली था क्योंकि डर भी बहुत था सब कुछ था अभी भी हम लोग बहुत मिनिमम स्टाफ से काम कर रहे हैं लेकिन इन ड्यू कोर्स अब लोगों में समझ भी आ रहा है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन प्रॉपर हाइजीन एवरीथिंग एल्स इज कमिंग इनटू इट इज कमिंग इन देम नाउ इट्स ग्रोइंग विद टाइम जी सर डेफिनेटली हम इन सब से बाहर आएंगे वी विल डेफिनेटली ओवरकम दिस सिचुएशन बस आप सबका साथ चाहिए आप सबका पेशेंस चाहिए और आप सबकी मेहनत चाहिए अभी तो फिलहाल मीठे गाने चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए सुनते रहिए फील कीजिए धूम मीठा वेलकम बैक टू रेडियो चॉकलेट 104 एफएम धूम मीठा भाउजो नमस्कार स्पेशल एपिसोड जहां डेडिकेटेड अछि आत्मनिर्भर भारत को आम सहित अछंती कथा हबा को क्रॉकरी प्लाजा भुवनेश्वर ओनर श्री सिद्धार्थ वर्मानी जी सो जैसे कि अभी लॉकडाउन 4.0 शुरू हो चुका है तो क्रॉकरी प्लाजा क्या खुल चुका है हां सर मॉर्निंग 10 से इवनिंग 6 तक टिल द नेक्स्ट डायरेक्टिव व्हाटएवर कम्स फ्रॉम द बीएमसी और द अथॉरिटीज टिल देन वी आर ओपन टू द 6 होपफुली वी वांट टू डू तो सिद्धार्थ जी अभी सैनिटाइजेशन और हाइजीन का कैसे ध्यान रखा जाता है सर बिल्कुल हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का जो भी है पूरा ध्यान रख रहे हैं बिना मास्क पहने अंदर कोई भी नहीं आ सकता है स्टोर में उनको पहले सैनिटाइज किया जाता है अंदर से पहले उनके हाथ सैनिटाइज किए जाते हैं अंदर पूरा ही मेंटेन करते हैं डिस्टेंसिंग मेंटेन हो कस्टमर्स के बीच में और इमीडिएट टू इमीडिएट कस्टमर को रिजॉल्व करें जो उनको चाहिए फटाफट उनको बस टू द सिचुएशन की बस अभी जो है काम चला लो भाई और चलो आगे बढ़ना बहुत जरूरी है डेफिनेटली सर जीवन का यही मंत्र है चाहे कुछ भी हो जाए हमें आगे बढ़ते रहना है क्योंकि अगर हम रुक गए तो फिर हमेशा के लिए रुक जाएंगे इसीलिए बढ़ते रहिए हम जरूर इस सिचुएशन से बाहर आएंगे फिलहाल अभी मीठे गाने सुनेंगे एंजॉय करेंगे फील कीजिए धूम मीठा
शादी रे चलुचि मोर प्रेम सारे दम से हट हट बेबी तक कोठे मु थोईबी जोठी सी ए देखुचि मते कोच देना देना वेलकम बैक टू रेडियो चॉकलेट 104 एफएम धूम मीठा भाउजा नमस्कार भाईना जुहार भाउजा नमस्कार रो ये स्पेशल आत्मनिर्भर एपिसोड रे आज हम सहित छदी भुवनेश्वर क्रॉकरी प्लाजा रो ओनर श्री सिद्धार्थ वर्मानी। तो सर कैसे देख रहे हैं आप फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं क्रॉकरी प्लाजा के, क्योंकि हम लोग एक मुश्किल फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहे हैं, तो क्या प्लानिंग है क्रॉकरी प्लाजा के आगे? सर अभी डिस्टर्बिंग टाइम है, अभी ऑनेस्टली आगे का प्लान बहुत ब्लर्ड है क्योंकि अभी हम लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए 45-50 days, लेकिन अब जैसा गवर्नमेंट ने हमको जो सपोर्ट देने का प्रपोजल उससे डेफिनेटली और होपफुल लग रहे हैं और अच्छे होप्स आ रहे हैं। तो आई गेस अगेन द ग्रीनर डेज आर गोना कम एंड वी आर गोना रिवाइव अगेन इन द राइट स्पिरिट। तो क्या लगता है आपको, अगर आप जैसे यंग एंटरप्रेन्योर हमारे देश में हो जाएं तो क्या हम इस फाइनेंशियल कंडीशन से उभर सकते हैं? सर डेफिनेटली हम लोग सब मिलके सब कंडीशन से बहुत अच्छे से उभर के वन ऑफ दी मोस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी से बहुत डेवलप बन सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये सब चीजें कुछ ज्यादा हमको इफेक्ट नहीं करेंगी, आप देखिएगा नियर फ्यूचर वी विल ऑल ओवरकम इट वेरी वेल। जैसे कि अभी सभी कह रहे हैं कि हम सबको अभी आत्मनिर्भर होना है और लोकल के लिए वोकल बनना है, तो अभी फिलहाल मीठे गाने सुनने हैं और फील करना है धूम मीठा। रंगीला जवानी तो रस तक मैंगो फ्लेवर रो देखिले तते थोरी जाउची हट आउ हट आउ हट आउ लिवर बाबा कुरगला कुरगुर पागा जिना किडी मु। वेलकम बैक टू रेडियो चॉकलेट 104 एफएम धो मीठा भाजन नमस्कार भाईना जुहार। आज मैं कथा होचू भुवनेश्वर क्रॉकरी प्लाजा रा ओनर श्री सिद्धार्थ वर्मानी को सहित। अच्छा सिद्धार्थ जी एक बात बताइए, जब हम पढ़ने जाते हैं, बच्चे जब पढ़ना शुरू करते हैं तो तभी से उन पे एक प्रेशर होता है कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी जॉब लगेगी, आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज अच्छी रहेंगी। तो अभी के सिनेरियो में क्या आप एंटरप्रेन्योरशिप को भी एक ब्राइट करियर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखते हैं? सर बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी सर आपके पढ़ाई, आपका एकेडमिक्स है, इट इज दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ। आप वहीं से ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या आगे करना है। एंटरप्रेन्योरशिप इज डेफिनेटली वन ऑफ द की गोल्स, बी इट इन एनी सेक्टर, बट स्टडी इज द कोर इन लाइफ। आप वहीं से ही आप यू कैन हेड ऑन टू एनीवेयर यू वांट टू। थैंक यू वेरी मच फॉर द इन्फॉर्मेशन। अब जाते जाते आप अपने चाहने वालों को जो आपको सुन रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? सर इस लॉकडाउन से बिल्कुल मत डरिए, कुछ नहीं है, ये सब एक फेज इन लाइफ है। ये कोरोना वायरस से हम लोग क्यों जीत जाएंगे एंड वी विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन लाइफ। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपने इम्पोर्टेंट टाइम में से हमें थोड़ा टाइम दिया, हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, वी आर ऑनर्ड। थैंक यू सर। वेलकम। तो ये थे सिद्धार्थ वर्मानी क्रॉकरी प्लाजा के ओनर, जो कि प्लान कर रहे हैं क्रॉकरी प्लाजा को और भी बड़ा करने के लिए। जैसे कि वो एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं, आत्मनिर्भर भारत के एक परफेक्ट एग्जांपल हैं। वैसे ही आज सभी यूथ को प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, आत्मनिर्भर भारत का आह्वान है। और अभी फिलहाल मीठे गाने इंतजार कर रहे हैं, सुनते रहिए, फील कीजिए धूम मीठा। हाँ जा रे,